क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.1 आज हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाया था, माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकाला जाता है, क्या संबंध होता है, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो, उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे उन सभी की भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देखिएगा। मैथ के साथ साथ साइंस भी मैंने करा दी है। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है माध्य निकालने के 3 विधि हैं। अगर किसी क्वेश्चन में जिस विधि का वर्णन करेगा आपको क्वेश्चन को उसी विधि से ही हल करना है, अगर उसके अलावा अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में कि इस विधि से हल नहीं करना है, सिर्फ बोला है माध्य निकालो, तो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो विधि आप यूज़ करो, लेकिन जो सबसे अच्छा और सरल माना जाता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप ऑलवेज अगर नहीं दिया हुआ है तो प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग करें, जो कि सबसे सरल और आसान होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्य, और कितने घर थे टोटल 20। ये जो कुल दिया होता है ना क्वेश्चन में कि इतने घर हैं इतने बच्चे हैं, वो हमारा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। जैसे ये घरों की संख्या यहाँ पे दे रखी है ना, तो इन सबको जोड़ोगे तो 20 आएगा, जोड़ के देखना। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें ये जो हमें एक डाटा दे रखा है, इस डाटा का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जिन घरों में 0 से 2 पौधे हैं वो कितने घर हैं, 1। 2 से 4 पौधे वाले घर कितने हैं, 2 हैं। 4 से 6 पौधे वाले घर कितने हैं, 1 हैं। 6 से 8 वाले पौधे घर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। इस तरीके से एक हमें डाटा दे रखा है, और इस डाटा का, इस सर्वेक्षण का हमें क्या निकालना है, एक माध्य निकालना है, प्रति घर माध्य क्या होगा, ठीक है। सो माध्य निकालने के 3 विधि हैं, मैंने अभी आपको बोला था। इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि किस विधि से माध्य निकालना है, तो जब नहीं बोला है तो मैं किस विधि का प्रयोग करूँगा, मैं प्रयोग करूँगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। और तीनों विधि को मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, आया समझ में। और प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं, और माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सूत्र होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है कुल योगफल, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है। सो आपको जब प्रत्यक्ष विधि आप प्रयोग करोगे ना, तो आपको 3 टेबल चाहिए होती है, 1, 2, 3। एक तो आपको दे रखा है, इसे वर्गंतराल बोलते हैं वैसे तो, और ये है पौधों की संख्या, इसका मतलब होता है वर्गंतराल। पहला वाला जो कॉलम होता है ना, ये होता है वर्गंतराल का, किसका होता है, वर्ग अंतराल का। दूसरा वाला जो कॉलम होता है वो होता है बारंबारता का, किसका होता है, बारंबारता, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इस क्वेश्चन में बारंबारता की जगह पर इन्होंने लिखा हुआ है घरों की संख्या, क्या, घरों की संख्या, ठीक। अब एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स आपको निकालना होता है। अरे 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, तो मैंने तो 3 ही बनाए हैं। अब एक कॉलम बनाने के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर एफ एक्स, एफ और एक्स के गुणा भी करनी है ना, 4 कॉलम। और ये हो गया वर्गंतराल, ये हो गया बारंबारता एफ, ये हो गया हमारा एक्स, और यहाँ आता है एफ गुणा एक्स, ठीक है। जो चीज़ें हमें दे रखी वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और फिर 12 से 14। इसी के सामने हमें क्या दे रखा है, 0 से 2 कितने व 1 हैं, फिर 2 से 4 2 हैं, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 2 चीज़ तो हमें दे रखी हैं, लेकिन हमें तो x नहीं दिया हुआ है, x कैसे निकालेंगे।
तो एक्स निकालने का तरीका क्या है कि ये जो निम्न बार, ये जो वर्गंतराल है ना, निम्न और ये उच्च, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। ये चीज़ रफ में की जाती है, ये तो मनी मन हो जाते हैं, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो दो बट्टा दो यानी कि एक, दो एक कम दो, एक आ गया। अब क्या होता है ना, एक आने के बाद इनके बीच में कितने कितने का अंतराल है, दो से चार, चार से छः, दो दो का अंतराल है, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाओ दो दो आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, दो दो जोड़ते जाना है, एक में दो जोड़ो तीन, तीन में दो जोड़ो पाँच, पाँच में दो जोड़ो, पाँच में दो जोड़ो कितना सात, सात में दो जोड़ो नौ, नौ में दो जोड़ो ग्यारह, ग्यारह में दो जोड़ो तेरह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाय द वे किसी को किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत आ जाती है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो समझते हुए, और क्वेश्चन को करने के बाद, देखने के बाद एक बार आपको दोबारा खुद से करना है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट कॉलम में कि ये जो x आया है और ये जो f है उनके आपस में क्या करनी है, गुणा। जैसे एक कम एक, तीन दुनी छः। जब आप लिखो संख्याओं को तो इकाई के स्थान पे इकाई रखना, दहाई के स्थान पे दहाई, क्योंकि अंत में जाके हमें जोड़ना भी है, ठीक है, ताकि जोड़ने में सुविधा हो। पाँच कम पाँच, सात पंजे पैंतीस, ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई इधर आ गया। छः नम चौवन, ग्यारह दुनी बाईस, ठीक है, तिरतिया उनतालीस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना होता है, कुल योगफल चाहिए होता है, ठीक है। सो देखिए जोड़ेंगे हम, एक और छः सात, सात और पाँच बारह, बारह और पाँच सत्रह, सत्रह और चार इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस और नौ, ठीक है। इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा एक सौ बासठ, ठीक है। जोड़ना तो आता ही है, सिंपल चीज़ है। तो ये एफ एक्स का कुल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है एफ एक्स का कुल योगफल, सॉरी। अब ये जो एफ है ना, ये वाला जो एफ वाला कॉलम है, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, कितना, बीस घर, टोटल कितने घर हैं, बीस। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, बीस, क्वेश्चन में ही दे रखा था। अगर आपको यकीन ना हो तो इन सबको जोड़ के देख लो, बीस ही मिलेगा, ठीक है। देखो एक दो तीन चार पाँच नौ, नौ छः पंद्रह सत्रह तीन बीस, ठीक है। अब हम सूत्र पे आ जाते हैं, अतः माध्य पे, माध्य पर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स यानी कि एक सौ बासठ, एफ का मतलब बीस। सो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्रिक बता रहा हूँ, बीस कुल में लिख सकते हैं, दो गुणा दस काटो, दो अट्ठे सोलह, दो एक कम दो, ये आ गया इक्यासी बट्टा दस। तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, एक जीरो है एक स्थान के बाद, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, आठ दशमलव एक। देखो माध्य इस विधि से निकाला, प्रत्यक्ष विधि से, माध्य को आप चाहे किसी भी विधि से निकालो आंसर हर बार यही आएगा, विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन आंसर सेम रहेगा, ठीक है। एक सरल सा प्रश्न था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन सरल ही होता है हमेशा, तो आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए पहले टेबल बना के रख दी है ताकि टाइम बर्बाद ना हो आपका। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं, सांख्यिकी क्लास टेंथ गणित। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक यानी कि सिग्मा एफ दे रखा है, इन सबको जोड़ोगे तो 50 आएगा, सिग्मा एफ 50। श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए बंटन पर विचार कीजिए, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, मतलब कौन सी उपयुक्त होगी, आपकी मर्जी है, कोई से भी लगा सकते हो तीनों में से। इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य निकालना है। तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक्स का मान जब बड़ा आता है ना, जैसे कि 70, 120, 125 ऐसे कुछ, अगर एक्स के मान आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्स के मान आ रहे हैं, तो या तो पगविचलन विधि लगाऊं, ठीक है, पगविचलन और बाकी जो दो विधि है ना उनमें से आप कोई से भी लगा सकते हो। और जब बोल ही नहीं रहा है तो आप कौन सी विधि लगा सकते हो, प्रत्यक्ष विधि। बट इस क्वेश्चन में हम
क्योंकि बोला है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करो, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो नंबर टू मैं आपको सिखाऊंगा वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, एक कल्पित माध्य में मान लेना होता है। ठीक है, ये सब मैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात। तो माध्य का जो सूत्र होता है इसमें वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। यहाँ जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य। वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट में। क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहला वाला आपका वर्गंतराल होता है ना, है कि नहीं, तो वर्गंतराल पे आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी, तो यहाँ लिख दोगे आप दैनिक मजदूरी। फिर यहाँ पर हमारा है श्रमिकों की संख्या यानी कि एफ। फिर हमें क्या निकालना होता है, एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है, एक्स। एक नया कॉलम आता है, इस कॉलम को बोला जाता है डी, और डी जो होता है एक्स माइनस ए होता है। और फिर एक नया कॉलम यहाँ आएगा एफ गुणा डी, क्योंकि ये नया टर्म आया है, इस डी की इस एफ से क्या करनी होती है, गुणा। अब लिखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 500 से 520। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, अच्छा ये चीज़ आपको बताने में भूल गया था, इस क्वेश्चन में 500 से 520 से 520 से 540 है ना, ये थोड़ा सा गलत छपा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पे गलत छपा है ऊपर, यहाँ 580 से 200, सो इसको ठीक कर लेते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन के अनुरूप कर देता हूँ मैं, है ना, जो भी छपा है उसी के अनुरूप कर देते हैं। वैसे ही क्वेश्चन क्या है, 500 से 520। और एक चीज़ ये ज़रूरी है कि जिस पे ख़त्म हो रहा है ना उसी पे शुरू होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब जिस पे ख़त्म नहीं हो रहा है उससे शुरू नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो 520 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 520 से ही शुरू होना चाहिए। तो 520 से क्या है, 540। फिर क्या है, 540 से 560। फिर है 560 से 580 और 580 से 600। शायद इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से पीछे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर दे रखा है ना ये गलत दे रखा है, एनसीईआरटी में उल्टा छपा है। तो जैसा क्वेश्चन है उसी अनुरूप में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 12 है, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्स निकालने का आपको तरीका पता ही है ना, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, और अंतर कितने कितने का, 20 का अंतर है। तो 500 प्लस 520 तो ये आ जाएगा 1020, है ना, 1020 आ जाएगा। दो से भाग दोगे, 2 5 10, 2 1 कम 2 0। तो एक्स का मान पहला वाला कितना आ गया, 510, 510 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कितने कितने का अंतर है, 20 20 का अंतर है, तो 20 20 जोड़ते रहो, 530 हो जाएगा, 550, 570 और 590। देखो एक्स का मान जब भी ज़्यादा ज़्यादा आएगा आपको कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि का उपयोग करना है। ठीक, ओके, अब देखो यहाँ से क्या आना है, एक्स हमने निकाल लिया है, अब बात आती है ए, क्योंकि अगला टर्म हमारा क्या है, डी निकालना है, यानी कि हर एक एक्स में से हमें ए माइनस करना है। तो अब आप क्या करोगे, ए के लिए हमेशा लिख लेना, ए के लिए क्या करते हैं, ए के लिए एन बट्टा दो पद एक्स में देखते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा नोट करके, कभी भी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में, ए के लिए एन बट्टा दो पद एक्स में देखते हैं। तो एन बट्टा दो पद मतलब
एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन होती है पदों की संख्या कि कितने पद हैं, पदों की संख्या होती है एन। सपोज करो एन आपके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सम आ सकता है और एक विषम आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर एन का मान 6 आ गया है तो एन बट्टा दो क्या होगा? 6/2, यानी कि आप सीधा सीधा तीसरा पद लोगे, ठीक है ना। यहाँ से गिनोगे 1, 2, 3, तीसरा पद ले लोगे। अगर मानो एन का मान आपका 5 दे रखा है, या एन का मान थोड़ा बड़ा करके लेता हूँ 7 दे रखा है, ठीक है, तो एन बट्टा दो करोगे 7/2, यानी कि 3.5 आएगा। तो जैसे ही 3 से बड़ा हो गया तो इसके अगला पद लेना है, यानी कि चौथा पद लेना है, ठीक है। पूरा पूरा कट रहा है सही है, अगर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, जैसे 3.5 आया तो चौथा लेना है, 4.5 आएगा तो पांचवा लेना है, 5.5 आएगा तो छठा लेना है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ एन बराबर 5, इसलिए एन बट्टा दो पद, यानी कि 5/2 पद, यानी कि 2.5 पद। तो 2.5 देखना है, 2.5 का मतलब तीसरा पद देखना है, 1, 2, 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ए जो आपने निकाला है वो पूरा कैलकुलेशन करके निकाला है आपने, आपने तुक्का नहीं मारा है, लेकिन आपको यहाँ लिखना ज़रूर पड़ेगा। माना कल्पित माध्य, मतलब अपने कल्पना के अनुसार बोल रहे हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर 550, ठीक है। अब आपको हर एक में से 550 को घटाना है। जैसे 510 में से 550 को घटाएंगे तो, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस के 40, ठीक है। फिर अब ट्रिक क्या है कि आप फिर से वही काम कर सकते हो, 530 में से 550 को घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस के 20। ये भी तरीका सही है, लेकिन क्या करूँ, कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है, तो प्लस के 20-20 जोड़ते रहो, फिर आ जाएगा माइनस के 20, फिर जोड़ोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर प्लस के 20, फिर प्लस के 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डी आ गया, ये एफ है, 12 × 48, 480, 14 × 28, 0 माइनस का 8, 0, 0, 6 × 12। देखो ये क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन गलत छपा है, लेकिन जैसा क्वेश्चन छपा है उसके अनुरूप मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको विधि सीखने से मतलब है, क्वेश्चन रटना नहीं है आपको, ठीक है। आप विधि सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप तो कर लेंगे, वही मेरा मेन मोटो है, 4 × 4 पीछे से 0। अब देखो सिग्मा यहाँ एफ एक्स नहीं, सिग्मा यहाँ एफ डी होता है सूत्र में, सॉरी, ठीक है। तो देखिए अब ये प्लस के कितने हो गए? 520, और ये देखो क्वेश्चन ये नेगेटिव का ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे कैलकुलेशन देखो, ये प्लस के है 520 और माइनस का कितना आ रहा है? माइनस का आ रहा है 0, 8 × 8 = 16, हासिल लगा 1, 6, 7, 760। तो 760 में से 520 को माइनस करो, ये ज़्यादा है तो चिन्ह उसका लगा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो माइनस के 240 आ गया, ठीक है, माइनस के 240 आ गया। और सिग्मा एफ तो हमारे पास कितना है? 50, ठीक है, सिग्मा एफ हमारे पास कितना है? 50। तो सूत्र पे आ जाओ, माध्य में, माध्य बराबर सूत्र क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, है ना। तो ए हमने कितना माना था? 550 प्लस एफ डी कितना है हमारे पास? अभी हमने देखा था, ठीक है, माइनस के 240 आया था, तो माइनस के 240 और सिग्मा एफ कितना है? 50 प्लस गुणा माइनस माइनस 240/5, 0 से 0 कट, ठीक है। सो क्या करेंगे, भाग देंगे, 5×20.05 हटे 40, ठीक है, तो 550 में से 4.8 क्या करोगे? घटा दोगे,
और घटाना तो आपको आता ही होगा ना, 550 लिखो, इधर दशमलव कुछ नहीं तो 0 0 बढ़ा दो, 4 8 घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, हासिल देगा 10 में से 8 गया 2 दशमलव के लिए दशमलव, 9 में से 4 गया 5, 4 545.20 ये आ जाएगा। एनसीईआरटी से मैच करोगे तो ये आंसर नहीं है, क्लियरली नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी में गलत छपा है। ठीक है, तो जैसा छपा था क्वेश्चन उसके अनुरूप ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। दैनिक का मतलब प्रतिदिन। कह रहे माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, मतलब माध्य इस क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। कह रहे लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, ये जो लुप्त बारंबारता है ना, इस एफ का हमें मान ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम किस विधि से करेंगे, बाकी लंबा चौड़ा विधि लगाने मत जाना, इस विधि को प्रत्यक्ष विधि से ही करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तीसरा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर आता है हमारा एफ, फिर यहाँ आता है एक्स, फिर यहाँ आता है एफ गुणा एक्स प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की बात की जाए तो 11 से 13 है, फिर 13 से 15 है, दो दो का अंतर है, 15 से 17 है। ये ध्यान दीजिए, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। अगर नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे हाँ फ्यूचर में, अभी आने वाले हैं। फिर 17 से 19 है, 19 से 21 है, ठीक है, फिर 21 से 23 है, और फिर 23 से 25 है। फिर F दिया हुआ है पहला 7, फिर 6, फिर 9, फिर 13, फिर F, फिर 5, फिर 4। ठीक है, X निकालने का तरीका आपको पता है, इन दोनों को जोड़ो, 11 और 13 24, 24 का आधा 12, कितने कितने का अंतर था, दो दो का अंतर था, दो दो जोड़ते जाओ, 14 16 18 18 दो 20 22 24, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे टर्म में क्या करते हैं, हम अगले टर्म में हम क्या करते हैं, F और X की गुणा करते हैं। ये हमारा X है, ये हमारा F है, 12 7 84। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा 14 × 6 कितना आ गया, 12 7 84। ठीक है, 14 6 ये भी 84। ठीक है, 16 9 144। ठीक है, फिर क्या, 13 × 18, तो 13 × 18 ये हो जाता है 234। कैलकुलेशन आप कभी भी कैलकुलेटर से मत करना, मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ करते हो तो इसकी आपको हैबिट लग जाएगी और फिर एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन करने से डरोगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ पर क्या है, 20 × F 20F, फिर 22 5 110 होता है, 110, और 24 चक्के कितना होता है, 24 × 24 = 48 96 होता है। ठीक है, 24 चक्के 96, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना होता है, प्रत्यक्ष विधि में जो भी आपका एफ एक्स होता है उसको जोड़ना होता है। आपको पता है चर में और अचर में कभी नहीं जोड़ता है, ये क्या है हमारा चर है, तो 20F तो ऐसे ही रखो इसको और बाकी को जोड़ लो। जैसे बाकी को हम जोड़ते हैं, पहले कितना है, 110, फिर प्लस में है 96, फिर प्लस में है 234, फिर प्लस में है 144, फिर प्लस में है 84, फिर प्लस में है 84। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा तो 700 कितना आ गया, 52। ठीक है, ये तो चलो ठीक हो गया। अब आ जाओ एफ वाले पे, यहाँ पर कितना है देखो, 7 6 13। ठीक है, 13 यहाँ तक हो गया, 13 और 13 26, 26 और 9, 26 और 9 कितने हो गए हमारे, 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ। ठीक है,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहले ही हमें दे रखा है, क्या दिया है? दिया है माध्य। इस क्वेश्चन में माध्य पहले ही दे रखा है 18। हमें तो f का मान ज्ञात करना है, इस f का मान ज्ञात करना है ना। तो माध्य वाले सूत्र पे आ जाओ, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। माध्य का मान 18 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स का मान कितना है? 752 प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ कितना है? 44 प्लस एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक गुणा कर दो। 18 को गुणा करेंगे 44 से, कितना आएगा? 18 गुणा 44 तो ये आ जाएगा 792 प्लस 18f। फिर किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वही रहता है। ठीक है, सो अब क्या करना है, f को एक तरफ लिखो। जैसे कि देखो यहाँ पर 792 है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 752। यहाँ 20f है, ये प्लस का 18, इधर आके माइनस का 18f। तो 202 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 7 से 7 गया 0। 20f में से 18f को घटाओगे तो 2f, 2 गुणे में है 2, 2 4 0, तो f का मान कितना आ गया? 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा एक बार वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहे किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब उपयुक्त विधि बोला है, वैसे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आपकी जो सी मर्जी है, जो सा आपको अच्छा लगता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हालांकि बोला है कि उपयुक्त विधि का चयन करो, तो अब हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बुक को रखते हैं साइड में, जो जो चीज़ दे रखे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला वाला जो चीज़ होता है वो होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। फिर हमारे पास दिया होता है बारंबारता f। फिर हमें x का मान निकालना होता है। चूँकि इस क्वेश्चन में उपयुक्त विधि मैं जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा कल्पित माध्य। फिर से क्यों कल्पित माध्य ही मैं क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इसमें जब आप x का मान निकालोगे, क्योंकि बारंबारता देखो वर्ग अंतराल लिख लेता हूँ मैं पहले, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 80 से 83 और 83 से कितना 86 तक है। तो इन दोनों को जब जोड़ के आधा करूँगा तो x का मान बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से हम किसका उपयोग करेंगे? कल्पित माध्य विधि का। जब भी x का मान ज़्यादा बड़ा आता है, 50 60 80 120 ऐसा कुछ बड़ा बड़ा मान आता है, तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना सरल होता है। f का मान हमें दे रखा है 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, इन सब को जोड़ लेंगे तो इन सब का जो कुल योगफल है वो कितना है? 30 है, जिसे हम सिग्मा एफ बोलते हैं, एफ का कुल योगफल। ठीक है, अब एक्स निकालना है। 65 और 68 को जोड़ो। ठीक है, 65 और 68 को जोड़ो, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 6 6 12 13। इसको भाग दो 2 से तो आ जाएगा 66.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कितने कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर है, 3 3 बढ़ा के लिखते जाओ तो यह आ जाएगा 69.5। फिर 3 बढ़ा दो
फिर आ जाएगा 72.5, ठीक है, फिर आ जाएगा 3 जोड़ो 75.5, फिर आ जाएगा और 3 जोड़ो 78.5, 81.5, 3 जोड़ो 84.5, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अब अगला जो टर्म आता है वो डी का आता है, वो होता है एक्स माइनस ए। ए के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ जितने पद होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो एन हमारा कितना है, 7/2 यानी कि 3.5। इसका सीधा सीधा मतलब है चौथा पद, चौथा पद हमारा क्या होगा, ए होगा। तो लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर चौथा पद एक्स में, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75.5, ठीक है, तो चौथा पद एक्स में, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 75.5। तो हर एक एक्स में से 75.5 को घटाना है, 66.5 में से 75.5 को जब घटाओगे तो आपको माइनस के 9 मिलेगा। घटाना आता होगा ना, 75.5 में से बड़े में से छोटा वाला घटाऊँ, हालांकि बड़े का चिन्ह माइनस है, 0.5 में से 5 गया 0, ठीक है, 15 में से 6 गया 9, तो कितना बचा, माइनस के 9, तो वही लिखा माइनस के 9। 3 3 का अंतर है, 3 3 जोड़ते जाओ, 3 जोड़ेंगे तो -6, -3, 0, 3, 6, 9, ठीक है। अगला जो कॉलम आता है वो होता है एफ और डी के गुणा, एफ गुणा डी, ये डी है ये एफ है, 9 2 18, चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, 4 6 24, 3 3 9, 8 0 0, 7 3 21, 6 6 24, 9 2 18, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ठीक है। प्लस वाले को अलग जोड़ लो तो ये आ गया 8 और 5 13, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6, प्लस के 63, माइनस वाले जोड़ो अलग, ये आ गया आपका 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 4 21 का 1, हासिल लगा 2, माइनस के तो 2 और 1 3 और 2 5, माइनस के 51। सो 63 में से 51 को जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो ये आ गया 12, ठीक है, सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, हल करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य, माध्य कल्पित माध्य विधि का सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य हमने माना था कितना, 75.5, और एफ डी, एफ गुना डी कितना है, 12, सिग्मा एफ कितना है, 30, 3 चौके 12 3 2 30, 2 5 10 2 2 4, ठीक है, 75.5 भाग देंगे, पॉइंट लगा के 0 20 हो गए, 5 चौके 20, ठीक है, 75.5 में जोड़ देंगे 0.4, 5 4 9, तो 75.9 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये इस एक्सरसाइज का पार्ट वन था, ठीक है, पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सीखा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा, उसको देखने के बाद इस क्वेश्चन इसको जब देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और इसके पार्ट टू वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं सारे।